बॉलीवुड म्यूजिक हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन उसकी परिभाषा के बारे में जरा कन्फ्यूजन है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि बॉलीवुड म्यूजिक क्या होता है, बॉलीवुड सिंगिंग क्या होती है, और क्या ये वाकई कोई अलग प्रकार की सिंगिंग होती है, क्या गायकी के प्रकार में ऐसा एक जॉनर ऐड किया जाना चाहिए, जैसे हम ख्याल गायकी कहते हैं वैसे ही बॉलीवुड गायकी एक अलग प्रकार की गायकी है या नहीं, या जैसे कव्वाली कोई गायकी होती है या नहीं, या ठुमरी कोई गायकी होती है या नहीं, या भजन कोई गायकी, जैसे अलग अलग गायकी के प्रकार हैं, इसी तरह से हम देखेंगे क्या बॉलीवुड सिंगिंग ये भी एक जॉनर है या नहीं, या फिर अगर है तो उसमें कैसे सीखा जा सकता है, उसे उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम जान सकते हैं। तो उसकी परिभाषा, उसके बारे में जानकारी जो कुछ भी है वो इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तू भूल न जाना जग से अकेला ही चला, तू भूल न जाना तन पे हरी का चोला, चोला। नमस्कार। सबसे पहले तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं बॉलीवुड। एक्चुअली में बॉलीवुड ऐसी कोई जगह नहीं है। जिस प्रकार से हॉलीवुड एक स्थान का नाम है जहां मूवीज़ बनती हैं, फिल्मों की शूटिंग होती है वगैरह वगैरह, जो भी काम वहां होता है, पूरी एक इंडस्ट्री वहां पर बसी हुई है, इस वजह से उसे हॉलीवुड बुलाया जाता है। महाराष्ट्र में जहाँ फिल्मों की शुरुआत हुई, अगर हम यूँ कहें, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, जिसका गढ़ हम महाराष्ट्र मानते हैं, कि वहाँ पर हमारे कई प्रकार के स्टूडियोज़ हैं जहाँ पर अलग अलग फिल्म्स की शूटिंग होती है, और अलग अलग सिनेमा जो है प्रॉपर, एक मराठी सिनेमा होता है और एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो सिनेमा है वो, उसका गढ़ हम ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र ही मानते हैं, और उसके बाद कई अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में उसकी शूटिंग होती है, कहानियाँ शूट होती है, फिल्में बनती हैं, वो बात अलग है, लेकिन गढ़ उसका महाराष्ट्र माना जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि बॉलीवुड जो है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉलीवुड कोई एक स्थान नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ये एक इंडस्ट्री ज़रूर है, जिसे क्योंकि हम हॉलीवुड बोलते हैं इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री को, इसीलिए हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बॉलीवुड कोई स्थान नहीं है, एक इंडस्ट्री का नाम है, ठीक है। अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो गाने हैं, अगर उसका अपने आप में कोई जॉनर है तो क्या वो है या नहीं, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास जो बॉलीवुड म्यूज़िक सीखना चाहते हैं। कई लोग होते हैं जो कहते हैं भाई हम क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, इंडियन क्लासिकल। कोई कहता है सेमी क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, सेमी क्लासिकल सिंगिंग सीखना चाहते हैं। कोई कहता है मुझे तो बॉलीवुड सिंगिंग सीखनी है, और इसके नाम से अलग अलग बैचेस बन रहे हैं, अलग अलग ट्यूटोरियल्स हैं, अलग अलग जॉनर सिखा रहे हैं लोग बॉलीवुड म्यूज़िक के नाम पे। तो क्या वाकई वो एक जॉनर है या नहीं, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्वाभाविक सी चीज़ है, वैसे तो हर संगीत, जितना संगीत है वो काल्पनिक है, यानी कल्पना से उठता है। आपके मन में एक विचार उठा, आपने उस पर एक गीत लिखा, उस पर कुछ धुन बनाई, कुछ शब्द दिए और गा दिया। लेकिन बॉलीवुड म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो वो एक कहानी पर आधारित होता है। अगर आप पुरानी फिल्मों से शुरू करेंगे, अगर अपना दौर जो है, तो एक कहानी है फिल्म की, एक सिचुएशन है उसकी, उसमें कुछ किरदार हैं, वो किरदार आपस में बातचीत करते हैं, तो कभी वो शब्दों में करते हैं, डायलॉग्स के माध्यम से करते हैं, कोई मोनोलॉग के माध्यम से करता है, तो कभी कभार वही संवाद गीतों के माध्यम से होता है। कि अगर वही बात मुझे गा के बोलनी हो, जैसे भाई एक सिंपल सी बात है कि अच्छा मैं चलता हूँ, तो सामने वाला पूछता है कि अच्छा फिर कब मिलोगे, तो बोले जब तुम कहोगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो बोलते हैं कि कहाँ मिलेंगे फिर, बोले वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। तो इस डायलॉग को अगर मैंने स्वरबद्ध करके कह दिया तो वो एक गीत बन गया कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, वहीं कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। तो उसमें एक रिदम आ गया, मीटर आ गया, तो उसका एक गीत बन गया। वो भी कल्पना है, हर संगीत एक कल्पना है, आपकी सिचुएशन पर, किसी न किसी पर आधारित होता है, ठीक है, स्वाभाविक सी चीज़। अब इसी से एक दर्जा आगे बढ़ते हैं, जो भाव होगा उस भाव को दर्शाने के लिए वो गीत बनाया जाएगा। फिल्म की जो भी सिचुएशन है उसमें एक भाव होगा, उसमें एक किरदार, उसमें एक कहानी है, उस भाव को दर्शाने के लिए एक गीत बनाया गया है, एक संगीत बनाया गया है, धुन या शब्द रचे गए हैं। वो भाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द फिल्म कि वहाँ किस प्रकार का गीत आएगा। तो बॉलीवुड कोई अलग एक जॉनर नहीं है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कोई एक जॉनर नहीं है सिंगिंग के लिए, संगीत के लिए नहीं, वहाँ हर प्रकार का संगीत गाया बजाया जाता है, वेदर इट बी क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, वेदर इट बी ठुमरी, गज़ल, भजन, कव्वालियाँ, जो भी हैं, जो भी आप उसे नाम देना चाहते हैं। विभाजन बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे ध्रुपद गायकी हमारे
भारत में ध्रुपद गायकी सबसे पहले चला करती थी। उसमें अमीर खुसरो आए खिलजियों के साथ, उन्होंने थोड़ा सा अपना देखा कि यार ये भी एक संगीत है, मार्गी संगीत उन्होंने देखा कि चल रहा है, ये एक संगीत चल रहा है, थोड़ा देसी कुछ म्यूज़िक चल रहा है, कुछ ठुमरी दादरा, तो उन्होंने देखा और फ्यूजन किया, एक्सपेरिमेंट किया। म्यूजिक इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, इसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो ख्याल गायकी निकल कर आई। अब उस ख्याल गायकी में थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो द्रुत ख्याल बन गए, मध्य विलंबित ख्याल बन गए, विलंबित ख्याल बन गए, फिर टप ख्याल बने, जो टप्पा गायकी है उसको मिला दिया तो टप ख्याल बन गए, है ना। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों को मिलाते मिलाते लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते करते नई नई चीज़ें बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी हुआ। पहले उसमें शास्त्रीय रागों का इस्तेमाल होकर, शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होकर, तबला, हारमोनियम, सितार, ढोलक, इन सारा जो हमारा इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब का इस्तेमाल होते हुए संगीत बना करता था, गीत बना करते थे। उस समय की जो भाषा चल रही थी उसका इस्तेमाल होता था, जिसमें उर्दू अधिक हुआ करती थी, हिंदी के शब्द भी हुआ करते थे, परिश्रम, वृक्ष, ऐसे शब्दों में भी गीत बना करते थे जो हम आज की तारीख में देखते नहीं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कि शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल हो गीतों में या फिर भाषाओं में, डायलॉग्स में या लिरिक्स, है ना, लिरिक्स में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही उतनी शुद्ध हिंदी। उर्दू का चलन ज़्यादा है या अंग्रेज़ी का चलन ज़्यादा है, और वो चलन हमारा चलन है, जो भाषा में हम बात करते हैं उस भाषा में वो लोग फिल्मों में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी छोटा सा एक वो हो गया था, विवाद हो गया था कि भाई वो जो मूवी आई ब्रह्मास्त्र, उसकी एक गाना निकला केसरिया, तो उसमें वो आया शब्द लव स्टोरियाँ इस्तेमाल किया गया, तो उस पर बड़े लोगों ने विवाद किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई लव स्टोरियाँ क्यों इस्तेमाल किया, बड़ा अजीब लग रहा है, चीप लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इट्स आर डेली लिंगो, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके गीत में इस्तेमाल कर दिया गया। जैसे जब आप गाते हैं तेरी शर्ट दा मैं बटन हो गया सोनी, तो ये क्या है, या कोई पंजाबी इस्तेमाल करी या फिर कुछ और दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया, तो वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है। दिस इज़ कॉल्ड कोड स्विचिंग या कोड मिक्सिंग जिसे हम कहते हैं, अगर ग्रामेटिकल टर्म्स में बोला जाए, कि भाषा और वर्ड्स हम स्विच कर करके बात करते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे। खैर, तो इस चीज़ का ध्यान रखते रखते बॉलीवुड में भी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे विकास हुआ है। और शास्त्रीय संगीत का पहले फ्यूजन होता था, शास्त्रीय को थोड़ा लाइट कर दिया गया, इसीलिए उसे लाइट म्यूजिक कहा जाता है। या फिर अगर आप सेमी क्लासिकल की बात करेंगे, तो सेमी क्लासिकल यानी क्या, शास्त्र की जो नियम है, कायदे हैं, जो कानून है, जो राग के नियम है, उनका ख्याल रखते हुए गाया जाए, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रक्चर का ख्याल रखते हुए गाया जाए, तो वो शास्त्रीय संगीत हो जाता है। वो राग का विस्तार ख्याल से, ध्रुपद से, बड़े ख्याल से, लक्षण गीत, सरगम गीत, इन तरानों से, इन सारी चीज़ों से होता है। फिर इसी को थोड़ा सा इसमें फेरबदल कर दी, इसमें काव्य की थोड़ा सा अंग बदल दिया, भाव बदल दिया, उस राग का विस्तार करने का ढंग बदल दिया। अब उसमें सरगम है या आलापतान नहीं ले रहे, बस शब्दों को ही घुमा फिरा रहे हैं धुनों के साथ, तो ठुमरी हो गई, इसी तरह दादरा निकली, इसी तरह गज़लें निकली, है ना। ये सारी अलग अलग हैं, इनमें सब में भाव होते हैं अलग अलग। जैसे गज़ल, उर्दू पोएट्री को गज़ल कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि गज़ल के कितने प्रकार होते हैं कॉम्पोजिशन में, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉम्पोजिशन सब अपने अपने अनुसार से करते हैं। मेहदी हसन खान साहब अलग ढंग से गाते थे, उससे भी पहले जाया जाए तो बेगम अख्तर जी अलग ढंग से गाया करती थी, और आज की तारीख में हम देखते हैं कि कितनी लाइट हो गई गज़ल, यानी वेस्टर्नाइज हो गई है गज़ल। तो गज़ल कभी भी बदली नहीं, भाषा के अनुसार ज़रूर बदलती रही। मीर तकी मीर से लेकर आज की तारीख में जो भी हमारे नए शायर आ रहे हैं, वो अपनी आज की भाषा जो है वो इस्तेमाल करके गज़ल लिख रहे हैं, तो वो बदलाव आता रहता है। तो बॉलीवुड का भी यही हाल है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भी यही सीन है, कि वहाँ जो फिल्म की सिचुएशन है, जो वो डिमांड कर रही है, वैसा गीत आता है। तो वहाँ हर प्रकार का है। अगर वहाँ कोई क्लासिकल सिनेरियो है, तो वहाँ शास्त्रीय ख्याल भी गाना होगा आपको। जैसे कि आप देखते हैं भाई, संजय लीला भंसाली जी जो मूवीज़ बनाते हैं, अगर वो पीरियड ड्रामा बना रहे हैं, हिस्टोरिकल मूवी बना रहे हैं, तो उसमें वो देखते हैं कि थोड़ा सा क्लासिकल बेस्ड हो, सेमी क्लासिकल हो, थोड़ा राग आधारित हो, और इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं जो हमारे इंडियन हैं। फिर धीरे धीरे, जैसे कि मैं बता रहा था, पहले हारमोनियम तबला पर होता था, सितार, इन सब का इस्तेमाल होता था, फिर धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो वेस्टर्नाइजेशन हुआ, बाहर का संगीत भी हमने अपनाया, बाहर का कल्चर भी हमने अपनाया, तो फिल्मों की भाषा भी बदली, कपड़े भी बदले, खान पान भी बदला, कहानियां भी बदली थोड़ी थोड़ी, क्योंकि देश बदला, जो सिचुएशन बदली तो उस अनुसार कहानियां बदल जाएंगी, तो उसी अनुसार हमारा संगीत बदल जाएगा। तो उसमें फिर वेस्टर्नाइज होने लग गया, गिटार का इस्तेमाल हुआ, कॉन्गो, बोंगो, जो अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी इस्तेमाल हुआ, बेस गिटार, सैक्सोफोन, इन सब का इस्तेमाल हुआ, कीबोर्ड, सिंथेसाइजर, पियानो, इन सब का इस्तेमाल होकर गीत बनने लगे। फिर उसमें और बदलाव आता जा रहा है, आज थोड़ा सा इलेक्ट्रोनाइज हो रहा है कि इलेक्ट्रिक म्यूजिक आ रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं वो ज़्यादातर कीबोर्ड पर ही बज जाते हैं, मिडी पर इस्तेमाल हो जाता है, इस हिसाब से गाने बन रहे हैं। तो ऐसा चीज़ कोई पर्टिकुलर जॉनर नहीं है जिसको आपको सीखना है अलग से,
है ना, ग्रामर आपका वही है, वही व्याकरण है, वही सुर लय ताल आपको उसके लिए भी साधने हैं, शास्त्रीय संगीत के लिए भी साधने हैं। देर इज नथिंग हार्ड और ईजी अबाउट एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, इट्स जस्ट द स्टेप। ऐसा कुछ नहीं कि वो मुश्किल है या ये आसान है या वो मुश्किल है, ऐसा नहीं है। सभी के अपने अपने पैमाने हैं, सबके अपने नियम कायदे कानून हैं, और सब में यही तीन चीज़ें हैं, स्वर लय ताल। अगर इन तीनों की जो साधना है वो आपने कर ली, जैसा जैसा भी मैंने कुछ दिन पहले लिखा भी था यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में, कि स्वरों की दूरी और लय की देरी अगर हमारे समझ आ जाइए, हमारे अंदर बस जाए, तो संगीत हो गया। स्वर कितने दूर लगेंगे, सा से रे कितना दूर है, रे से कोमल रे कितना दूर है, रे से रे की श्रुति एक ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, या दूसरे स्वर की एक श्रुति ऊपर चढ़ जाए, या एक स्वर पूरा का पूरा चढ़ जाए तो क्या बनता है। तो ये स्वरों के जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस है, कितना दूर वो सुर है, और यही लय की देरी, क्योंकि लय समय होता है कि कितनी देर में अगली बीट आएगी, अगला जो अक्षर है वो कितनी देर में बोलना है। शब्दों की बांट अगर हमारे समझ आ जाए तो हम ख्याल गायकी भी कर लेते हैं, हम गज़ल गायकी भी कर लें, हम भजन भी गायकी कर लें, और बॉलीवुड के जो गीत बन रहे हैं वो भी हम गा लें। अब फर्क जरूर हो जाता है गायकी के स्टाइल में, जिसे हम कहते हैं एक्सेंट। जैसे वही भाषा है, अंग्रेजी ही है, अंग्रेजी हम भी बोलते हैं, इंडियन इंग्लिश भी एक होती है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी होती है, ब्रिटिश इंग्लिश भी होती है, अमेरिकन इंग्लिश भी होती है, स्पैनिश इंग्लिश भी होती है, वही इंग्लिश सब जगह अपने अपने अंदाज में बोली जाती है, भाई उनका अपना एक एक्सेंट होता है। उसी तरह से बॉलीवुड में अब क्योंकि थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गया है तो वेस्टर्न ऑर्नामेंट्स लगने लग गए हैं। अब वेस्टर्न ऑर्नामेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे विब्राटो हो गया, फॉल्सिटो हो गया, यानी आवाज़ का थोड़ा सा पतलापन बदल देना, है ना, आवाज़ के मॉड्यूलेशंस, ये शास्त्रीय संगीत में उतने नहीं होते, उनमें ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत में गमक लगती है, कण लगता है, खटके लगते हैं, मुर्कियाँ लगती हैं, ये ज़्यादा लगते हैं शास्त्रीय संगीत में, और थोड़े से हल्केपन में लगेंगे आपके सुगम में, यानी कि आपके फिल्मी गानों में या गज़लों में। वो भी निर्भर करता है कि आप किस अंदाज का गा रहे हैं, ठीक है, तो वो अंदाज अलग है, जॉनर अलग नहीं है। तो हाँ, स्वाभाविक सी चीज़ है, अगर आपको बॉलीवुड म्यूजिक की गायकी सीखनी है तो ये है कि आप ये बताएं कि बॉलीवुड की गायकी नहीं, हम लाइट गायकी सीख रहे हैं, कि सुगम गायकी जिसको कहते हैं। जैसे अगर मैं कोई गाना, जैसे मैंने ये चीज़ कई बार बोली है कि अगर वो ये जो दम है, ये जो दम खम है, ये जो पंच है, ये शास्त्रीय संगीत का है, ये पंच आप फिल्मी गानों में नहीं लगाते हैं, फिल्मी में थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो किरदार गा रहे हैं आपको उन किरदारों के अकॉर्डिंग गाना होगा। अब वो किरदार भाई संगीत सीखा हुआ थोड़ी है, तो वो अगर अपनी महबूबा को कह रहा है कि भाई कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो वो आकार और आलापतान के साथ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो शास्त्रीय ट्रेंड नहीं है, है ना, वो तो एक आम इंसान है, आम इंसान कैसे गाएगा, तो उसके वो ऑर्नामेंट्स उतने हैवी नहीं आएंगे जो म्यूजिक के होते हैं। तो वो एक बॉलीवुड का जॉनर आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड की गायकी या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की गायकी में हैवी ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल उतना नहीं है, लेकिन उसमें भी निर्भर करेगा कि सिचुएशन क्या है। जैसे ही आप देखते हैं आयत जैसा गीत अगर आप सुनते हैं, या फिर ऐसी कोई सेमी क्लासिकल ठुमरी आप अगर वहाँ देखते हैं, अगर उसकी सिचुएशन है वहाँ, अगर डिमांड है आलापतान की, तो आपको लगानी आनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें, अब जैसे मान लीजिए बैजू बावरा की मूवी बनी थी, या तानसेन, मियाँ तानसेन साहब की मूवी बनी थी, उसमें जो संगीत हुआ था इट वाज ऑल क्लासिकल, तो कैसे कह सकते हैं आप बॉलीवुड में क्लासिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा, या बॉलीवुड का एक अलग जॉनर है। आप देखेंगे बंदिश बैंडिट्स जो सीरीज़ आई थी, अब इट वाज ऑल बेस्ड ऑन क्लासिकल म्यूजिक, तो उसके जितने गीत थे, जो गाने थे, वो सब क्लासिकल आधारित थे। तो आपके गले में या आपके दिमाग में सबसे पहले आप अपने आप को न्यूट्रल बनाते हैं, फिर आप ये सारी सिचुएशन अडैप्ट कर सकते हैं, अडैप्टिव नेचर के आप हो जाते हैं, कि जहाँ क्लासिकल चाहिए वहाँ वो भी गा दिया, जहाँ लाइट चाहिए वहाँ वो भी गा दिया। यही आप सोनू निगम साहब को सुनिए, उनकी क्लासिकली माइल्ड एक एल्बम है, वो कितनी प्योर क्लासिकल है, उसमें कितनी आलापताने टाइप जो हरकतें मुर्कियाँ हैं, लेकिन यही आप उनका कल हो न हो सुनिए, या कोई और गीत सुनिए, अभी मुझ में कहीं सुनिए। तो ये है कि छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं, डिटेल्स हैं, ये हर एक जॉनर को अलग करती हैं। तो बॉलीवुड कोई अलग प्रकार का जॉनर नहीं है, बस ये है कि उसमें सिचुएशन अनुसार गीत आता है, तो अगर वो गीत क्लासिकल बेस्ड ज़रूरी है तो आपको वहाँ देना पड़ेगा, और हर जॉनर अलग अलग हिसाब से गवेगा, उसी वॉइस पंच, उन्हीं म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स के साथ आप हर गीत नहीं गाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, वही एग्जांपल है जो मैं हर बार देता हूँ मेकअप और ज्वेलरी का, कि अगर आप एक प्रांत का ट्रेडिशनल कपड़े पहन रहे हैं, मान लीजिए मैं राजस्थान से हैं जैसे हम लोग, तो राजस्थानी अगर हम कपड़े पहन रहे हैं, या पंजाब से हैं तो पंजाब के कपड़े पहन रहे हैं, या हरियाणवी अटायर हम धारण कर रहे हैं, तो उसका अपना ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स भी होंगे, तो वो थोड़े हैवी भी होते हैं। लेकिन यही आप थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कर देते हैं तो आप उतने ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते, सटल रखते हैं ना, थोड़ा सा हैवी मेकअप नहीं करते, लाइट मेकअप करते हैं। तो यही सारी चीज़ें संगीत में भी होती हैं भाई, वहाँ भी वही ऑर्नामेंटेशन है, वहाँ भी वही आभूषण लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें थी, वैसे ये टॉपिक और लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा
जिस्ट मैं आपको इस चीज़ का समझा दूं कि वो कोई अलग जॉनर नहीं है, उसके लिए भी वही सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, वही अलंकार, वही थाट। हाँ, रियाज के अंदाज थोड़े थोड़े बदल जाते हैं कि आप उतना हैवी रियाज नहीं करते हैं क्लासिकल का, लंबी लंबी तानों का या भारी भारी अलंकारों का, लेकिन तब भी स्वर तो उसके लिए भी साधना पड़ता है, और वही ओमकार, वही ब्रह्म मुहूर्त का मॉर्निंग वोकल रियाज आपको करना पड़ता है, वही लय ताल की टेक्निक सारी सीखनी पड़ती हैं, वही अलंकार, आपको थाट, पिच, उन सब की नॉलेज, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये सारे प्रकार के संगीत में आती है अगर आप समझ के गाना चाहते हैं। सुर में गाना चाहते हैं, सुरीले हैं तो ईश्वर की देन है तो गाएंगे ही गाएंगे, लेकिन अगर समझ के उसी संगीत को गाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आई वॉज क्लियर अबाउट माई टॉपिक, एंड फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कॉमेंट्स में पूछें, व्हाट्सएप पर नंबर है वहाँ पूछें, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, संगीत धरा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करें, वहाँ हमारी क्लासेस ज्वाइन करें। नमस्कार, शुक्रिया।